गुड मॉर्निंग। हिंदी में आज चित्र के साथ स्वर की पहचान करेंगे। तो ये है अ, अ से अनार, अ से अजगर, अदरक। अ के बाद आता है आ, आ से क्या होता है आम, आलू, आख। आ के बाद ई, ई से इमली, स्त्री, इमारत। ई के बाद बड़ी ई, बड़ी ई से ईख, ईट, ईद। ई के बाद आता है ऊ, ऊ से उल्लू, उपहार, उंगली। ऊ के बाद बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊन, ऊट, ऊपर। ऊ के बाद रू, रू से ऋषि, ऋतु और ऋषभ। रू के बाद ए, ए से एडी, एक तारा, एक। ए के बाद ऐ, ऐ से ऐनक, ऐरावत, एम्बुलेंस। ऐ के बाद है ओ, ओ से ओखली, ओस, ओढ़नी। औ, औ से औरत, औषधि, औजार। औ के बाद अंग, अंग से अंगूर, अंडा, अंगूठी। हमने चित्र और स्वर की पहचान की, अब हम स्वर का पठन करेंगे। ये है स्वर। अ से अह, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, रुसे रुसी, ऐसे एडी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, औसे औरत, अंग से अंगूर, अह। अब फिर से हम उनका पठन करेंगे। अ आ, इ ई, उ ऊ, रु, ए ऐ, ओ औ, अम, अह। अब हम शेप्स की पहचान करेंगे। यह आकृतियां यानी कि शेप्स। यह है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का। फिर से एक बार देख लेते हैं। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का। आज हम नोटबुक में स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। आपकी हिंदी की जो बुक है वो बुक में बड़ी लाइन में करना है इस तरह से। ये है स्टैंडिंग लाइन। तो इसको कैसे करना है ड्रॉ? पहले ऐसे दो डॉट्स बनाने हैं, एक ऊपर एक नीचे, फिर वो डॉट्स को जॉइंट करना है इस तरह से। तो ये है स्टैंडिंग लाइन। फिर थोड़ी जगह रखकर दो डॉट्स बनाने हैं, डॉट्स को जॉइंट करना है। तो ये स्टैंडिंग लाइन हो गई। फिर एक लाइन छोड़कर फिर से ऐसे ही बनाना है इस तरह से। आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन छोड़कर नीचे तक करना है।